फिलहाल हम मनीष कश्यप के गांव में है और हमारे साथ ये लड़की जो खड़ी है इनका नाम गीतांजलि है और मनीष कश्यप के लिए एक पोर्ट्रेट जो है वो बना के लाई है। मनीष कश्यप है, उनके साथ माँ है और ये फोटो जो है मनीष कश्यप को उन्होंने दिया है भेंट में। और मनीष कश्यप जब ये फोटो देखे तो काफ़ी भावुक हो गए। इस फोटो में जो तस्वीर है, इस तस्वीर को देखते हुए उन्होंने उस पल को याद किया जब वो जेल में थे और जब अपनी माँ से मिलने के लिए मौका नहीं मिल रहा था, माँ इनकी रो रही थी, उस पल को यह बयां करते हुए तस्वीर है। और इस पल को गीतांजलि ने अपने हाथों से, अपनी मेहनत से उकेर कर एक स्वरूप दिया, उस पल को यादगार बना दिया है। हम इनसे बात करेंगे, ये तस्वीर किनका बनाई है, कब बनाई है? मनीष कश्यप जी का बनाई हूँ। मनीष कश्यप जी का बनाई है, तो ये आखिर में उनके पोर्ट्रेट आपने क्यों बनाया? उनके बर्थडे गिफ्ट था ये, पिछला बार बर्थडे नहीं मना पाए इसलिए उस टाइम का ये फोटो मैंने बनाई। ओके, उस टाइम उस चीज को आपने दिखाने के लिए। तो आखिर में यही वाला फोटो आपको पसंद क्यों आया? क्योंकि उनकी माँ है उनके साथ और इसलिए। और अभी जब मंच पे आप गई, मनीष कश्यप को आपने पोर्ट्रेट गिफ्ट किया, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लगा, वो बहुत अच्छे काम करते हैं हमको इसलिए। और वो बोलते हैं, वो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मेन तो उनका बोली ही है जो कि पूरा टफ है जी। अब मनीष कश्यप जो काम करता है, अभी फिलहाल जेल से निकल चुके हैं, क्या लग रहा है, चुनाव ना लड़ना चाहिए कि नहीं? लड़ना चाहिए उनको, लड़ना चाहिए। हाँ। और ये जो पोर्ट्रेट आप बनाते हैं, इसके अलावा और क्या क्या काम करते हैं, किस प्रकार का पोर्ट्रेट आप बनाते हैं? मैं स्केच और ये मतलब जैसे पेंटिंग वगैरह सब करती हूं। वो सारी चीजें आप बनाती हैं? रहने वाली हैं आप? मैं इसी जिले के रहने वाली हूँ। कौन क्लास में पढ़ती है? 12th क्लास में, इस तरह एग्जाम दी हूँ। तो ये बताइए, जब ये आप बनाती है, कब से आपने सीखा इतना अच्छा, ऐसा लग रहा है कंप्यूटर की तरह जो है इसको प्रिंट कर दिया गया? मैं बचपन से आर्ट करती हूँ। बचपन से आर्ट करते करते धीरे धीरे हाथ बैठ गया, अच्छा हो गया जी। घर के लोग नहीं कहते कि ये सब क्या कर रही है, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो? हाँ, पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते हैं लोग। अब नहीं बोलते नहीं। ये जो आप बनाई है मनीष कश्यप को गिफ्ट कर रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मनीष कश्यप ने क्या कहा देखे आपको? उनको तो बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत अच्छा लगा। तो ये पोर्ट्रेट आप देख सकते हैं मनीष कश्यप का, इन्होंने ये तस्वीर जो है बनाया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है पूरा चीज़ें, और सन ऑफ बिहार भी लिखे, इंडिया इंडिपेंडेंस लिखी हुई डे, मतलब ये 15 अगस्त का जो उन्होंने पहना हुआ था टी शर्ट, और सारी चीज़ों को जो है इन्होंने अच्छे से उकेरा भी है। देख सकते हैं इनकी माँ का कितना तस्वीर अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, और नीचे आर्ट बाई गीतांजलि भी लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट बनाया हुआ है, और हम अपने ऑन वीडियो में पहला आपको ऑर्डर देना चाहेंगे। मनीष भैया बोला है कि सब कोई आपको प्रशंसा करें, ये हमारे तरफ से 500 रुपये आप रखिए, पकड़िए इसको, और हम आपको फोटो भेजेंगे, वो भी आपको पोर्ट्रेट बना के हमें दे देना होगा। उसके अलावा आपका जितना भी मजदूरी लगेगा, लगेगा कि नहीं 500 में नहीं बनेगा और चाहिए तो हम आपको और दे देंगे, लेकिन आपको हमारा पहला ऑर्डर बुक है। Yes. मंजूर है? हाँ। तो हमारा पहला ऑर्डर जो हम इनको दे रहे हैं, और मैं चाहूँगा डिस्क्रिप्शन में इनका डिटेल्स दिया होगा, डिस्प्ले पर इनका नंबर होगा, आप कॉल कीजिएगा, इनके भाई से बात होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार का पोर्ट्रेट बनवाना, तो आप इनके भाई से कॉन्टेक्ट करके जो है पेमेंट कीजिएगा, और जो भी तस्वीर का पोर्ट्रेट आपको बनवाना है, स्केच बनवाना है, आप फोटो व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको वो पोर्ट्रेट बनवा के मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं आके लेना तो ले सकते हैं, बाकी अगर आप चाहते हैं कुरियर के थ्रू चाहिए तो आपको कुरियर चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। तो आपको इसकी मजदूरी और कुरियर चार्ज इनके भाई के बात करके आपको बुक करना होगा, देना होगा। अगर आप चाहते हैं आपको इस प्रकार का तस्वीर, तो आप इनकी मदद कीजिए, बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर हम लोग इनका इनका जो हेल्प करेंगे तो बहुत आगे जाएंगी, बहुत अच्छा काम करेंगी। बाकी दर्शकों से क्या कहिए? दर्शकों से यही कि हम सबका सपोर्ट करें, मेरा सपोर्ट करें, बहुत दिन से मैं मेहनत कर रही हूँ, 4 साल से जी, 4 साल से मेहनत कर रही हूँ। हाँ। और आज सफल हुआ कि नहीं मेहनत? आज बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मनीष के सब्जी से मिल के, और आज लग रहा है कि पूरा सफल हो गए हम। आज उनका जन्मदिन भी है? हाँ। क्या कहिएगा? जन्मदिन उनको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये गिफ्ट उनके लिए है जी। चलिए, तो जितने भी हमारे मित्र बंधु हैं, जल्द से जल्द जो है कॉन्टेक्ट कीजिए, ऑर्डर अपना प्लेस कीजिए, और बाकी इनका मेहनत आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।